कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के दौरान भले ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई थी, बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाओं के अलावा जिन आपराधिक मामलों में इजाफा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाले और सामाजिक व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाले हैं। उत्तरी हिमाचल की धर्मशाला स्थित एकमात्र फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए पहुंचे मामलों के सैंपल की रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन के दौरान भले ही सड़क दुर्घटनाओं के मामले ना के बराबर आए थे, मगर इस दौरान आपराधिक मामलों की तस्वीर उसके बिल्कुल उल्ट थी। इस दौरान आत्महत्या और दुष्कर्म के बेहद ज्यादा मामले सामने आए, जो बीते कुछ सालों की अपेक्षा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिनकी जाँच अभी भी जारी है। वही साल 2018 में सामने आए आपराधिक मामलों की बात करें तो इस दौरान 2800 के करीब अलग अलग कैटेगरी के मामले सामने आए थे, जिसमें सड़क दुर्घटनाएं, आत्महत्या, जहर, धोखाधड़ी, मारपीट, दुष्कर्म समेत साइबर क्राइम के मामले शामिल हैं, जिनमें से अब तक 2000 मामलों को सुलझा लिया गया है, जबकि 800 मामले अभी भी धर्मशाला की फॉरेंसिक लैब में जांच चल रही है। उत्तरी हिमाचल की क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब की डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी महाजन की माने तो कोरोना काल में आपराधिक मामलों में बेहद बदलाव देखने को मिला है। इस दौरान सामने आए मामलों का असर समाज की मानसिकता पर पड़ रहा है। वर्ष 2018 में फॉरेंसिक लैब में लगभग 2800 मामले आए थे और करीबन हमने उसमें से 2000 के करीब मामलों को सॉल्व कर दिया। बाकी कुछ लंबित मामले थे, वो अगले साल में निष्पादन किया गया। देखिए, जहाँ तक मामलों की अधिकता की बात करें तो सबसे अधिक मामले जो थे वह हमारे केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी में थे, पॉइजन से रिलेटेड थे, रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड मामले थे, ऐसे मामले थे। उसके बाद हमारा जो थे मामले आए बायोलॉजी के, जिसमें रेप, मर्डर, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड केसेस भी रहे, और उसके साथ साथ साइबर क्राइम और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से, फॉर्जरी और फ्रॉड से रिलेटेड मामले आए। लगभग मामलों की अधिकता हमने नहीं नोट किया, लेकिन मामलों के टाइप में जो ट्रेंड है वो जरूर चेंज आया है। कोरोना काल में जो हमारे मामले जो अधिक हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा असर जो हुआ है, सुसाइडल केसेस का नंबर बढ़ा है और रेप केसेस का। सुसाइड के मामलों में डिप्रेशन लोगों को आया है, उस वजह से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इसीलिए जो है सुसाइड से रिलेटेड मामले जो हैं ज़्यादा आए हैं।